नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस थंबनेल पे कई अहम खबरें लिखी हुई हैं, तो सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तृणमूल कांग्रेस सहित यानी कि टीएमसी के साथ साथ तीन अन्य पार्टियां जिसमें एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, जो कि काफ़ी समय से राष्ट्रीय पार्टियां थीं, इन सबसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। तो अब ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इस खबर को थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, राज्य स्तरीय पार्टी कैसे बनती है और कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टियां आज की डेट में हैं। तो अगर आप इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, IEIT इलाहाबाद में है और यहां से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मिलता है। काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है IEIT का और यहाँ से कुल 17 पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल से यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। अंतिम तारीख जो है 3 जून है। तो जिनको डिप्लोमा करना है यहाँ पे, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है डिप्लोमा मैनेजमेंट के 3 पाठ्यक्रम जो है 2 वर्षीय हैं और PGDC 1.5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। बाकी सभी जो होते हैं यहाँ पे 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल में पावर प्लांट, मैकेनिकल में प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन कंट्रोल, मैकेनिकल टूल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ट्यूबवेल इंजीनियरिंग और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कई कोर्सेस यहां पे हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, जिन्होंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है, उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस शिक्षक भर्ती की तमाम प्रकार की ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है, टेस्ट सीरीज देता है और स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट का भी कोचिंग यहाँ पे मिलती है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए 8299226960 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले 132 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था और ये 132 अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल थे। कई चीज़ें थी इनके, अभ्यर्थन इनका निरस्त किया गया था, तो कई छात्रों के जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था, कुछ लोगों ने जो है मेंस के फॉर्म में जो है अपनी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे और कुछ लोग जो है मेंस के आवेदन में कुछ भी नहीं लगाए थे, कुछ लोगों ने गलत तरीके से फॉर्म भरा था। तो एक्चुअली हम आपको ये बता दें कि 132 ये जो अभ्यर्थी हैं ना, जो मेंस में नहीं बैठ पाए, प्री इन्होंने क्वालिफाई किया था, एक्चुअली इनके पास जो है पूरी क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है। ये जो है परीक्षा में बैठ जाते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या किस तरह से परीक्षा का पेपर आता है और वहाँ पे जो है कितना स्कोर करना पड़ेगा प्री को क्वालिफाई करने के लिए। इसमें कई तो ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उसके लिए पेपर देते हैं। तो इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसे 132 स्टूडेंट कौन है जिनका प्री निकल गया लेकिन उन्होंने उनको फॉर्म तक भरना नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। उनको फॉर्म भरना नहीं आता, उन्होंने जानबूझ के ही इस तरह का फॉर्म कंप्लीट नहीं किया होता है, कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, BEd के बारे में बोला जा रहा था कि BEd अब लोग कम करेंगे, लेकिन BEd का जो रुझान है वो बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। छात्रों में BEd प्रवेश के लिए होड़ मची हुई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 5,09,000 छात्र छात्राएं ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 4,15,000 ने फीस जमा करके फाइनल रूप से फॉर्म सबमिट कर दिया है। पिछली बार 6,72,000 आवेदन आए थे 2022 में और अभी आवेदन में 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। ऐसे में BU के अधिकारी पिछला रिकॉर्ड टूटने की संभावना जता रहे हैं। अभी 1 महीना बचा हुआ है, 4,15,000 आ चुके हैं, तो अब ये जो है मेरे ख्याल से तो 7.5 लाख के ऊपर जाना चाहिए फॉर्म, जो जिस तरह से फॉर्म इसमें अप्लाई हो रहा है।
तो देखिए बीएड में जो प्रवेश परीक्षा आपकी होती है इसके लिए समय बहुत कम आपको मिलता है, और बीएड में तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तभी आपके बीएड का कुछ फ़ायदा है, अन्यथा बीएड में आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदा इसमें नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए, कैसे बीएड कर सकते हैं और बीएड के एंट्रेंस को कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और स्टडी मटेरियल के लिए आप जो एप्लीकेशन मैंने बताया सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन, वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं या फिर 8299226960 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप। दोस्तों संस्कृत शिक्षा परिषद की तरफ से जो है हिंदी व संस्कृत के एक एक पेपर अब कराए जाएंगे। यह निर्णय लिया गया प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा भगवती सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में बैठक संपन्न हुई। गोमती नगर यानी कि लखनऊ। इसमें तय किया गया कि उत्तर माध्यमा में हिंदी सामान्य व हिंदी साहित्य के दो पेपर की जगह अब एक पेपर ही रखा जाएगा। वहीं कंठ संगीत और वाद्य संगीत यानी कि वोकल और इंस्ट्रूमेंटल के जो दो अलग अलग पेपर थे उन्हें भी एक पेपर में का और खा करने का निर्णय लिया गया है। 9 नए स्वपोषित विद्यालयों को मान्यता प्रदेश में इनकी संख्या 282 हो जाएगी। 9 को मान्यता मिल गई है तो अभी 282 कॉलेज इस तरह के हो जाएंगे जहां से ये डिग्री मिलती है आपको। TGT PGT के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। यहां पे जो है इनके जो पदों की संख्या है 4163 उसको बढ़ाने के लिए आश्वासन मिल चुका है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से प्रतियोगियों को पद बढ़ाने का भरोसा मिला है। प्रतियोगियों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT एवं प्रवक्ता संवर्ग के 4163 पदों के लिए पूर्व में जारी भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके लिए मांग पत्र सौंपा है। प्रतियोगियों ने बताया कि चयन बोर्ड ने जुलाई में TGT व PGT के 4163 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जून 2022 में जारी किया था। जुलाई मध्य तक आवेदन लिए गए थे। इसके लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। अभी परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। इसमें कई विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष पद कम होने के आरोप लगाए गए थे। विज्ञान के अभ्यर्थियों ने तो हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि उनके बहुत ही कम पद हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल में के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि शासन स्तर पर हुई वार्ता में अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि नए चयन आयोग के अस्तित्व में आने के उपरांत पोर्टल खोलकर अधियाचन लिए जाएंगे ताकि पदों की संख्या में वृद्धि हो सके। इसके अलावा LTE ग्रेड GIC के समकक्ष आर्ता मामले पर भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जो है वार्ता की है और जिसके जल्द सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लखनऊ से ही वो सारी चीज़ें होनी है। LTE ग्रेड और GIC प्रवक्ता में आहर्ता में जो विवाद है वो मैटर यहाँ से ही सॉल्व होना है, तो छात्रों ने यहाँ पे कल उसके बारे में भी बात की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा जहाँ 10 महीने में PCS 2022 की वैकेंसी पूरी करके अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहाँ कई भर्तियाँ जो है वर्षों से लंबित हैं। यहाँ पर संभागीय निरीक्षक RI की भर्ती 9 वर्षों में भी पूरी नहीं हो पाई है। इसका आंशिक परिणाम 4 वर्ष पहले जारी किया गया था, उसके बाद से भर्ती का मामला कोर्ट में लंबित है और फैसला न आने के कारण बाकी पदों का चयन रुका हुआ है। वर्षों से लंबित भर्ती रहने से अभ्यर्थी परेशान और कोर्ट से लेकर आयोग तक के चक्कर काट रहे हैं। कई भर्तियां ऐसी हैं जो इस तरह की रुकी हुई हैं यहाँ पे, जिसमें ये RI की जो भर्ती है संभागीय पर्यवेक्षकों की, तो इसमें 79 पदों पर भर्ती के लिए UPSC ने 2014 में विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा 15 में हुई। सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच 2017 में हुई। अप्रैल 2018 में प्रैक्टिकल हुआ। जनवरी 2019 में साक्षात्कार होने के 3 महीने बाद आंशिक परिणाम जारी किया गया।
आयोग ने 66 पदों का परिणाम जारी किया, 13 पदों को रोक लिया है और छात्र लगातार इसके लिए चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के और आयोग के। तो इस तरह की जो है चीज़ें आयोग के पास कई चीज़ें पड़ी हुई हैं, एपीओ की भर्ती इसका एक उदाहरण है। तो अभी देखिए अध्याचन भी कुछ आयोग के पास आए हैं, लेकिन आयोग अभी कोई विज्ञापन निकाल नहीं रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि अगर ठीक है आयोग ने अगर 10 महीने में पीसीएस की परीक्षा को पूरी तरह से कंप्लीट किया है तो आगे भी अपने कार्यों में कुछ गति लाएगा और कुछ जल्द नए आवेदन करने के लिए छात्रों को अवसर देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट किसी नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।